बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्पीडर लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर हम अभी तक क्वेश्चन नंबर 4 तक अपने न्यूमेरिकल्स को कंप्लीट कर चुके हैं टेक्स्ट बुक से। उम्मीद करता हूँ आप उन्हें उन तमाम न्यूमेरिकल्स की अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर ली होगी। अब हम इस लेक्चर में मजीद न्यूमेरिकल्स की तरफ टेक्स्ट बुक से मूव कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 को हमने इसमें सॉल्व करना देखने लगे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का ए पार्ट जो है वो प्रॉपर्टीज ऑफ रिग्रेशन लाइन है, वो ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। तो इसका बी पार्ट हम सॉल्व करने जा रहे हैं। डिटरमाइन द रिग्रेशन लाइन एंड एस्टिमेट द वेट ऑफ स्टूडेंट हुज हाइट इज 68 इंचेस। सबसे पहले तो हमने रिग्रेशन लाइन एस्टिमेट करनी है, देन हमने जो है वो स्टूडेंट के वेट को एस्टिमेट करना है ऑन द बेसिस ऑफ हाइट 68 इंचेस। तो डाटा गिवन है हमें, फाइंड आल्सो एस्टिमेट वैल्यूज फॉर द गिवन वैल्यूज ऑफ हाइट। तो इसके अलावा हमने प्रूफ करना है कि सम ऑफ एस्टिमेटेड वैल्यूज इज इक्वल टू सम ऑफ ऑब्जर्व्ड वैल्यूज ऑफ द वेट, यानी समेशन वाई इज इक्वल टू समेशन वाई कैप हमने प्रूफ करना है। इसी तरह से डेविएशन हमने कैलकुलेट करनी है, ई इक्वल टू वाई माइनस वाई कैप, और फिर प्रूफ करना है कि इन तमाम डेविएशन का जो सम है वो इक्वल टू जीरो है। तो इसके लिए रिग्रेशन लाइन को सबसे पहले कैलकुलेट करना है। रिग्रेशन लाइन वाई ऑन एक्स आपके सामने है, वाई कैप इज इक्वल टू ए वाई ऑन एक्स प्लस बी वाई ऑन एक्स इंटू एक्स, और रिग्रेशन कोफिशिएंट भी आपके सामने स्क्रीन पर मौजूद है, b by on x is equal to n summation x y minus summation x into summation y divided by n summation x square minus summation x का whole square, a y on x यानी इंटरसेप्ट भी आपको गिवन है y bar minus b y on x into x bar। ये आप अपने स्क्रीन पर फॉर्मूलों को देख सकते हैं। नेक्स्ट अब हम इसके ऊपर कैलकुलेशन करेंगे डाटा के ऊपर, x की वैल्यूज और y की वैल्यूज के ऊपर। x की का सम करेंगे समेशन x आ जाएगा, y का सम समेशन y आ गया, x y को मल्टीप्लाई कर देंगे आपस में, इन्हीं x की जितनी भी वैल्यूज उनके सामने उनकी कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, 72 into 178 12816 आ जाएगा। इसी तरह से x स्क्वायर का करना है तो x का स्क्वायर करते जाएंगे जितनी भी वैल्यूज हम सबका 1/1 72 का स्क्वायर 5184, और इसी तरह से रिमेनिंग तमाम वैल्यूज की कैलकुलेशन होगी। इस एक्स वाई का टोटल करेंगे, समेशन एक्स वाई आ गया 104468, एक्स स्क्वायर का टोटल करेंगे 45056, इसका समेशन एक्स स्क्वायर आ गया। अब इन सम्स को यूज करते हुए सबसे पहले रिग्रेशन कोफिशिएंट को कैलकुलेट करना है। रिग्रेशन कोफिशिएंट के फॉर्मूले में एन की जगह पे एन की वैल्यू, समेशन एक्स वाई की जगह पे समेशन एक्स वाई, समेशन एक्स की जगह पे समेशन एक्स, समेशन वाई की जगह पे समेशन वाई, समेशन एक्स स्क्वायर की जगह पे समेशन एक्स स्क्वायर, और समेशन एक्स की जगह पे उसकी वैल्यू को लिखने के बाद उसका स्केयर करने के बाद हमारे पास आ रहा है 6180 डिवाइडेड बाय 1660, और इसको सॉल्व करेंगे तो रिग्रेशन कोफिशिएंट आ गया 3.72। रिग्रेशन इंटरसेप्ट हमने पता करना है, इंटरसेप्ट y ऑन x y बार माइनस b y ऑन x into x बार है, x बार कैलकुलेट किया 670 ओवर 10 यानी 67, y बार कैलकुलेट किया समेशन y ओवर n यानी 155 ओवर 10 इज इक्वल टू 155। अब ये सारी वैल्यूज को इंटरसेप्ट के फॉर्मूले में लिखेंगे, 155 माइनस 3.72 इंटू 67, इसको कैलकुलेट किया तो माइनस 94.4 हमारे पास इंटरसेप्ट आ गया। इंटरसेप्ट और रिग्रेशन कोफिशिएंट की जो वैल्यूज हैं वो लाइन में फिट करेंगे तो y कैप हमारे पास लाइन आ गई माइनस 94.4 प्लस 3.72 एक्स। तो आप इस लाइन को इस्तेमाल करते हुए उसने कहा था जी आपने एस्टिमेट करना है, आपने जो है वो वेट को एस्टिमेट करना है, हाइट आपके पास एक्स है वो कितनी है 68, और इसको रिग्रेशन लाइन में हम एक्स की जगह पे पुट करेंगे तो माइनस 94.4 प्लस 3.72 इंटू 68। तो इसको सॉल्व करने से हमारे पास आंसर आ गया 158.76। तो ये हमारे पास वेट होगा ऐसे स्टूडेंट का जिसकी हाइट 68 इंचेस है। तो नेक्स्ट उसने कहा था हमें कि हमने क्या करना है, हमने इनको जो है वो डिपेंड समेशन वाई को समेशन वाई कैप के इक्वल लेकर आना है। तो इसके लिए हमें वाई कैप लाइन इस पे फिट करनी है, वाई कैप इज इक्वल होगा माइनस 94.4 प्लस 3.72 एक्स, इसमें एक्स की जगह पे 1/1 एक्स की वैल्यूज को पुट करते जाएंगे। सबसे पहले एक्स की वैल्यू 72 एक्स की जगह पे पुट करेंगे, सॉल्व करेंगे इस रिग्रेशन लाइन को तो 173.6 आ गया। सिमिलरली इसी तरह से नेक्स्ट 66 को इसमें पुट करेंगे, 66 को एक्स की जगह पे सॉल्व करेंगे तो 151.3 आ गया। सिमिलरली इसी तरह से नेक्स्ट वैल्यूज के लिए भी सॉल्व करते जाएंगे, इसका टोटल करेंगे तो इसका टोटल हमारे पास आ रहा है 1550।
ये वही टोटल आ रहा है जो समेशन वाई का टोटल था। तो यहाँ पर देखे तो समेशन वाई और समेशन वाई कैप का टोटल इक्वल आ गया। तो जो बात उसने प्रूफ करने के लिए हमें कही थी कि एस्टिमेटेड वैल्यूज जो है वो इक्वल होंगी सम ऑफ ऑब्जर्व वैल्यूज वेट के, तो यहाँ पर ये इक्वल आ रही है। तो पहला प्रूफ हमारा हो गया यहाँ पे। अब नेक्स्ट उसने कहा था कि हमने रेजिडुअल भी फाइंड करने हैं। रेजिडुअल फाइंड करने के लिए y माइनस y कैप करना है, y की जितनी भी वैल्यूज हैं उनके सामने उनकी कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज को माइनस करते जाएंगे। 178 माइनस 173.61 में से माइनस किया 4.39 आ गया। इस तरह से रिमेनिंग वैल्यूज को भी इसी तरह से माइनस करते जाएंगे, जो नेगेटिव आएंगे उन्हें नेगेटिव में ही लिखेंगे। सम की करेंगे इसका, तो इसका सम हमारे पास आ रहा है 0.00 यानी 0। तो यही बात उसने हमें प्रूफ करने के लिए कही थी कि सम ऑफ रेजिडुअल जो है हमारे पास 0 आए। तो ये प्रॉपर्टी भी हमारे पास प्रूफ हो रही है यहाँ पर कि हमारे पास मिशन ई यानी वाई माइनस वाई कैप इक्वल आ रहा है 0 के। बहुत शुक्रिया स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये लेक्चर भी अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा और आप इस क्वेश्चन नंबर 5 की भी अच्छे तरीके से खुद से भी प्रैक्टिस करेंगे। बहुत शुक्रिया, जजाकल्ला।